जी 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 तो जी, हर बाबाओं का ये धर्म है कि सबसे पहले वो भूख से मर जाए वो मंजूर कर लें, लेकिन गोहत्या नहीं होनी चाहिए। अरे हत्या तो किसके नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है हम उसकी हत्या के बारे में अगर नहीं बोलते हैं तो हम कैसे नेता हैं और कैसे बाबा हैं। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने यही देखा कि भाई गोहत्या बंद करवाया, बूचड़खाने जो भी बंद हुए जितना उनके पावर में था, तो हमने चलो भाई इनके लिए हम इतना ये करेंगे। सुषमा अरे जो जय ललिता थी उसके लिए मैंने 13 दिन भोज किया और क्या नाम आम के पेड़ लगाए। बस हम जानते हैं कि जय ललिता के खानदान का उनके इलाके का आदमी भी हमको नहीं जानता होगा, वो हिंदी भाषी है नहीं, हम जो बोलते हैं वो हमको सुनते भी नहीं होंगे, फिर भी मैंने उनके लिए काम किया। क्यों? ये देश के लिए इन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है। चलो भाई हमारा तो काम है रोज का है। सुषमा स्वराज उनकी किडनी में खराबी आई, उनके लिए मैंने काम किया। मैंने बहन मायावती जी के लिए कुछ किया, मैंने अमिताभ बच्चन के लिए कुछ किया, सोनिया जी के लिए किया, और सोनिया जी ने हमें हाथ जोड़ के मनाया। ये मामूली बात है, जैसे मैंने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया, एक बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में अलग एक लोग देख रहे हैं, इसीलिए सोनिया जी भी चौराहे पर इन्होंने हमको हाथ जोड़ के मनाया। तो मैंने इसके लिए नहीं काम किया, निस्वार्थ, लेकिन इन लोगों ने हमें हमारी तकलीफ में, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको टिकट नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ कि हमारे कहने से करोड़ों रुपए जो देश का पर्यावरण पर बर्बाद होता है उसमें हमसे सलाह ले लिया जाए, गो रक्षा के बारे में हमसे सलाह ले लिया जाए। हमें कोई तनख्वाह मत दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा को तन के लिए कपड़ा और भोजन के लिए, मैं भोजन का भी तो मैंने हुजूर त्याग कर दिया है, हम तो फल फूल साग सब्जी, अरे हमको कहीं भी आप कैद में रखवाइए, हम बेल की पत्ती ही खा के आपको 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बड़े आराम से दिखा देंगे कि देखिए हुजूर खाली बेल की पत्ती हमको दे दो। तो एक इतना बड़ा अजीबो गरीब काम करने वाला एक इंसान, उसने अपनी खुद से बनाई पहचान, ये नेता लोग मर गए हैं क्या, किसी पार्टी के नेता हो, ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं है? अरे कम से कम हमारा हौसला तो बुलंद करो, हमारा हौसला तो बढ़ाओ। नहीं नहीं बाबा जी, आपको कहीं आने जाने के लिए आपको पास दिया जाएगा, ट्रेन का बस का, हम कितने दिन दुनिया में रहेंगे भाई, 81 हमारा पूरा होने वाला है, हम कितने दिन के मेहमान हैं। तो इन लोगों का फर्ज ये बनता है, जो हराम खोर हैं, हराम खोर वो तो नेता बने घूम रहे हैं, हैं? नोट खर्ची, अच्छा जनता हमारी बड़ी अंधी है, हम लोग तो जनता को भड़काने का मौका मिल जाए ना तो हम सीधे सीधे लोटे के बर्तन सबसे दबवा दें कि बंद करो, सब नेतागिरी खत्म करो। लेकिन चूंकि भूचड़खाने लोगों ने बंद किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम योगी मोदी ने किया है, इसलिए पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी है और उनके साथ सहयोग कर रही है ताकि हमारा देश राष्ट्र मजबूत बने और पाकिस्तान के मुंह पर जरा एक कालिक पुत जाए। बिल्कुल बिल्कुल, 40-40 लोगों की हत्या एक मिनट में होती है, ये क्या हो रहा है हमारे देश में, लंका में आप देख ही रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है, इंसान कहाँ है, अरे सुअर से बदतर इंसानों, अरे श्याम साधु को जवाब तो दो, कड़े शब्द मैंने बोला इसलिए ताकि लोगों की आंखें खुले, लोग अपने होश में आवे, इसीलिए हम कड़े वचन का प्रयोग करते हैं, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो बोलो, अरे इंसान कहाँ है भैया। देखिए जनाब, गधा जो है, गधा कुत्ता सुअर, इसने क्या आइटम बनाया एक दूसरे को मारने के लिए, नहीं बनाया, ये बात चाहिए। मजहब और धर्म के नाम पर हम आपका कत्लेआम करें, आप मेरा कत्लेआम करो तो माफ कीजिएगा जनाब, हमसे आपसे गधा कुत्ता सुअर अच्छा है या खराब है, वो हमसे आपसे कहीं आगे अच्छा है। अरे सुअर तो है लेकिन वो एकदम बाप तो नहीं, बताइए एकदम बाम बाप रे बाप, कितने बेगुनाहों की जान लेता है ये, बेगुनाह छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं, उनके माता पिता मर गए, कितनी अरे हाहाकार मच जाता, मेरा बस चले, हम पूरी दुनिया के सारे हथियार और आइटम बम ये वो हम सबके सब नष्ट करवा दें, लेकिन ये कभी होगा जब हम मांस खाना छोड़ेंगे,
अगर मांस खाएंगे तो किसकी हाय भाई, जिसकी हाय है वो कोई ना कोई को तो लेना पड़ेगा। अरे दुनिया का चाहे जितना ताकतवर नेता हो अपनी मौत को रोक के का नहीं दिखा देता हमको, अपनी मौत को रोक के दिखाओ, हम जाने की तुम बड़े पावरफुल हो। अब तो एक मतलब एक हम तो एक संदेश वाहक है और कार्यवाहक है, मैं करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। बताइए लाखों फॉलोअर्स हमारे बीजेपी जी के नाम की बांसुरी बजाने की वजह से कट गए। अब बीजेपी का कोई भी छोट भैया नेता का आज तक कोई धन्यवाद शुक्रिया तक का एक फोन तक नहीं आया। अब आप अंदाज लीजिए एक भी फोन तक आया हो कि हाँ बाबा जी हम, कुछ लोग अपने मन से जनता में लिखेंगे अरे मोदी जी के चरण की धूल मिलती रहेगी, मोदी जी से आपकी मुलाकात होगी। हम कहा नहीं साहब, हमने उनको देश का भगवान माना है, काम किया उन्होंने, अपने उनके उनके परिवार को देखो और जितने नेता हैं जरा उनके परिवार को देखो, हैं सब जगह साइकिल से घूम रहे थे आज वो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, कहाँ से उड़ रहा है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए कोई कानून नहीं है। आज हमारा जनता साथ दे दे तो हम पथिया उधेड़ के रख दे, नहीं साहब कानून बने, जो नेता किसी पार्टी का वादा करो वादे के अंदर काम करो वरना तुरंत आपको इस्तीफा देना होगा हर हालत में, वरना पुलिस आपको बंद कर देगी और सीधे आपको जेल जाना पड़ेगा। ये पक्की लिखा पड़ी होनी चाहिए। आप कितने दिन में क्या करोगे ये बताओ, आप कितने दिन के अंदर क्या करोगे ये बताओ। हाँ बीच में आपकी सड़क बन रही है, कोई बाढ़ आ जाए कोई दैवी आपदा आ जाए वो एक बात अलग, उसमें आपको मोहलत मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई आप दैवी आपदा नहीं आती है तो आपको काम को करना होगा, नहीं आप जगह छोड़िए। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान में एक से एक ईमानदार एक से एक त्यागी पुरुष बैठे हैं, उनको कुछ जानता भी नहीं। और ये नेता कल को पैदा हो गए, हम तो यही पूछना चाहते हैं, ये जनता हमारी साथ दे दे, केवल जनता यही कह दे हम वोट कभी देंगे जब श्याम साधु जिसको बोलेंगे, इतने खाली जनता संकल्प ले ले और देखिए हाहाकार न मचा दे हम। तो कोई नेता क्यों साहब आपको टिकट दिया गया ठीक, आपने अपनी निज की जरा कुर्बानी के बारे में बताइए, नहीं बताते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। चलिए क्यों आपने जनता को धोखा दिया, आप वादे दे तो मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, आपने पहले बताओ कौन सी कुर्बानी दिया है, हम कैसे आपके ऊपर विश्वास माने, हम कैसे यकीन करें आपके ऊपर, आप क्या करेंगे, ये तो बेवकूफ बनाने की बात है, बातें हैं, मैं ये करूंगा करूंगा नहीं, आप अपनी निज की कुर्बानी बताओ क्या किया है आपने। तो हमारा मतलब है कि हम तो देश समाज के लिए हुजूर मर रहे हैं, नीर एक गिलास में किसी ससरे का पानी, हाँ धन्यवाद शुक्रिया पाने का तो हर आदमी भूखा होता है, है? जी, अगर आपको हम बात कर रहे हैं आप हमसे जी जी कर रहे हैं तो आप हमको इज्जत दे रहे हैं, अगर आप अबे तबे बात करेंगे क्या हम आपसे बात करना चाहेंगे, तो हम आप ही को कहें जी, जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी होती हैं। अरे भैया कोई बताइए मंच के ऊपर कोई 5 लाख रुपया लगा के किसी गवैया को बुलाओ, पता लगे कि एक भी आदमी उसके आगे न बैठा हो मंच के नीचे एक भी, तो क्या वो गाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा मकसद यही है दुनिया वालों जानो, हम कोई ना हमारे अंदर, हम तो कहते हैं ना हिंदू ना मुसलमान, पहले आप हुजूर ये बताइए कि कितने कैरियर के हैं इंसान, है ना बढ़िया बात, बहुत सही बहुत सही कहा, बहुत सही बहुत सही, आप कितने कैरियर के इंसान हो, और इंसान अगर बन गए अरे फिर क्या पूछना हुजूर, हैं? अरे हम कहते हैं हमारा बच्चा है, हम पाकिस्तान को थप्पड़ मार के पूछे कि अरे भैया तुमको अगर तुझको कोई कमी है गा तो अनशन कर बैठ करके, चल अनशन में तू बैठे हम भी बैठेंगे, लेकिन ये क्या है अब इनको मार देना उनको मार देना इनको मार देना और वो आरोप लगाना कि साहब साबूत लाओ, अब ये तो गलत बातें हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल तो गलत बातें हैं, साबूत कोई क्या लाएगा वहाँ से भाई, क्या दे सकता है? अच्छा मनीष कोई हो इसके पहले कितने कितने वाकिया हुए, 90,000 पाकिस्तान के सैनिक पकड़े गए कि नहीं बोलो, तो चाहे उनको छोड़ दिया गया, कहाँ का इंसाफ है भाई, इंसाफ सबके। आज भी एक बहन जी से मैं बात कर रहा था और हमने मुस्लिम कंट्री की तारीफ किया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, हाँ बाबा जी आप ठीक कहते हो, बहुत से मुस्लिम शहर में है या जो मोहल्ले हैं जहाँ आज भी टीवी उनके घर में नहीं है, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल,
तो क्यों अदब लिहाज, अगर मुस्लिम अदब पर्दे की बात करता है तो गजब की बातें करता है साहब, उसकी कदर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसका उसका हौसला बुलंद करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैंने सवाल किया। ये गंदे गंदे जो डांस वगैरह, अरे आप तो बॉम्बे में है, अब कुछ वहाँ देखने को बाकी रह जाता है क्या? नहीं नहीं, सब कुछ यहाँ हो रहा है क्या? सब कोई हायर शर्म नाम की चीज नहीं है। हम किस मुंह से बोलेंगे मेरा देश महान, मैं महान? आप कैसे महान हो गए भाई? जहाँ खुली बेशर्मी होती हो, जहाँ जो मर्डर करने वाले बड़े बड़े नेता चुने जाते हैं, ये बताइए। तो यही सारी चीजें हैं, हम तो रात दिन लगे हैं ही है। आप जाएंगे हुजूर जरा अपना, क्योंकि हमारे पास कामों का सिलसिला। नहीं नहीं, मैं दो मिनट का समय, दो मिनट का समय और लूंगा मैं। आप आपके आपका वीडियो पुष्पा शुक्ला करके हैं, जो जिन्होंने हिंदी फिल्म में, मराठी फिल्मों में, साउथ की फिल्मों और भोजपुरी फिल्म में किया है, कई काम किया उन्होंने। तो आपका वीडियो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा जरा बाबा जी से बात करवा दीजिएगा, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा किया है कि जहाँ भी जाती है ना, बता रहा हूँ कि अभी शूटिंग पे गई हुई थी, यहाँ आई हुई थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जौनपुर में, बादशाहपुर जगह, जौनपुर जिले में बादशाहपुर, तो वहाँ पे उन्होंने करीब 7 बच्चे थे, 7 बच्चे और माँ को उन्होंने कम से कम 40,000 रुपया दे के मुहैया कराया कि भैया जब तक बच्चे बड़े नहीं होते हैं, इस पैसे से उनको ले आके आप भोजन कराइए, हाँ दूध पिलाइए उनको। हाँ तो वो जहाँ आप बीच में एक बार शूटिंग पे गई थी, कहाँ हल्द्वानी गई थी, नैनीताल में, तो नैनीताल पे ऐसे अंग्रेजी कुत्ते नहीं, जो सड़क के कुत्ते नहीं होते गरीब, जिनको कोई खाना नहीं देता है, तो उस बच्चे को नैनीताल से उन्होंने उठा के अपना फ्लाइट का टिकट कैंसिल करके उन्होंने इनोवा कार की, इनोवा कार के द्वारा वो उन्होंने उस बच्चे को यहाँ ले आए, अपने यहाँ घर ले आई है। आप बता रहे हो इनके घर में 3 बच्चे पलते हैं, वो भी सड़क के कुत्ते हैं जो गंदे घूम रहे थे। उसको उन्होंने, मैं आपको कभी अगर आपको उसमें तस्वीर जाता हो और ये व्हाट्सएप होगा आपका, तो मैं आपको भेज दूंगा तस्वीर, आप देखिएगा कि उनके घर में सड़क के जो गंदे कुत्ते थे, जो गंदगी खा के जीते थे, उन कुत्तों को लाके अपने घर में उन्होंने खिला पिला के एकदम साफ सुथरा बना के उनको पाला हुआ है। और जहाँ कभी कहीं जाती है तो उस जगह पे वो मुहैया करा देती है, लोगों से कहती है कि आप लोग का इतना भी ध्यान नहीं है कि एक तो आप लोग पर्यावरण को नष्ट करते चले जा रहे हैं, हाँ, और पर्यावरण को आप लोग नष्ट करेंगे तो उसी पर्यावरण में जीने वाले वो जानवर भी हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, ये बताइए। तो आप तो अपनी व्यवस्था कर ले, एसी लगा दे रहे हो, स्विमिंग पूल बना दे रहे हो, दुनिया भर के कर दे रहे हो, लेकिन वो बेचारे कहाँ जाए, उनके लिए आपने क्या किया है? तो कम से कम आपका ये दायित्व बनता है कि कम से कम एक व्यक्ति आपके दरवाजे पे, कोई डॉगी है, कुत्ता है, या कोई भी जानवर है, पंछी है, गर्मी का सीजन चिलचिलाते धूप आ चुकी है, तो कम से कम आप लोग इतना तो एक डॉगी के लिए तो मुहैया करा सकते हो कि भाई 2-4 रोटी खिला दो उसको, थोड़े से दाने खिला दो पंछियों को, या पानी रख दो भर के एक टब में कि बेचारे आके पी सके, कुछ खा सके, इतना तो दायित्व आप लोग निभाइए। आप बता रहे, उन्होंने वहां के एक ठाकुर है, विधायक भी थे वहां पे, वो मतलब उनसे तो नहीं, उनके भाई से बोल के उन्होंने पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। हाँ, और बोला कि असल में सॉरी, उनके उसमें अकाउंट में, जो दुकानदार था, जो दूध की व्यवस्था और जो कुत्तों को खाने को पेडिग्री नहीं होती खाने का जो, हाँ, तो उसकी व्यवस्था उन्होंने करवाई। और करवाने के बाद उन्होंने बोल दिया कि भैया हर दिन यहाँ पे आप 4 लीटर दूध भिजवा दिया कीजिएगा और खाने के लिए 1 किलो पेडिग्री भिजवा दीजिएगा, कि कम से कम 4 महीने तक वो बच्चे अपना भोजन कर लेंगे टाइम से, थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे, तो स्वस्थ हो जाने के बाद कम से कम वो अपने अपना मतलब जीवन व्यापन के लिए, मतलब भोजन के लिए कम से कम घूम तो सकेंगे गली यहाँ वहाँ मोहल्ले में, कम से कम उनको अन्न तो मिलेगा। लेकिन अब उन्होंने संकल्प किया है, पुष्पा जी ने संकल्प किया है कि मैं जानवरों के लिए जिला जौनपुर हो या इलाहाबाद, वहां पे वो ट्रस्ट खोलने वाली हैं, जहां पर सुनिए, जहां पर प्रथम ये होगा कि 2 एम्बुलेंस होगी वहां पे, और जानवरों की मेडिसिन होगा, दवा दिया जाएगा, चाहे कोई भी जानवर, चाहे बंदर हो, चाहे डॉगी हो, चाहे पंछी हो, चाहे गाय भैंस हो। तो जो सड़क पे घूम रहे हैं, कोई अगर एक कॉल कर दे भैया यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त एक कुत्ता पड़ा है, या एक जानवर, कोई भी एक्सवाइजेड, या पंछी पड़ा है, तो भैया कुछ लोग एम्बुलेंस द्वारा उनको जाके लेके आएंगे, उनका इलाज करेंगे, और इलाज करने के बाद अगर डॉगी है, कुत्ता है अगर, तो उनको इलाज करने के बाद फिर उसी जगह पर उनको पहुंचा दिया जाएगा।
तो लीजिए, मैं आपसे, आप इतने अच्छे हैं, आप प्रख्यात हैं, वर्ल्ड में आप फेमस हो चुके हैं, दुनिया आपको देख रही है इस समय, तो पुष्पा जी फिल्म में जो अभिनेत्री हैं वो आपसे आपके इस कार्य को देख के बहुत काफी प्रभावित हुई हैं, तो मैं आपका उनसे बात करवा दो, मिनट आप जरा प्लीज समय देकर उनसे बात कर लीजिए। श्याम जादू बाबा जी हैं जो बंदरों को, हजारों लाखों बंदरों को एक साथ जिला किया रहे हैं। हेलो जी। हाँ बाबा जी नमस्ते, चरण स्पर्श, कैसे हैं? पहले बाबा आप सुखना है ना? जी जी जी। तो हम भी मिश्रा हैं। एक कम से कम जनेऊधारी, एक ब्राह्मण कुल के लोग, एक मनुष्यता का पाठ आज पूरे वर्ल्ड को पढ़ा रहे हैं। तो अभी जैसा भाई साहब ने आपके बारे में बताया तो हमने यही मन में आया, लेकिन अब चूंकि सुन रहे थे, हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप हमारी दोनों बेटियों से मौका निकाल के जरूर बात कीजिएगा। अच्छा। तो अपना, क्योंकि बचपन से 3-4 साल की उम्र से यही काम उन्होंने किया है, कितने जानवरों की सेवा किया है, कितने पागल कुत्ते तक को हम अंजलि ने चढ़वाया, अभी 2 साल पहले ग्लूकोज चढ़वाया। अच्छा। तो अब ग्लूकोज चढ़ने के बाद रेबीज का जानवर अगर अंदर पानी घुस गया तो पूरी तरह पगला गया, और वो दुनिया का सबसे बड़ी नस्ल का कुत्ता है था, उसका कुछ वीडियो वगैरह पड़ा है, सीडी में पड़ा है, कौन निकाले कौन करे, मैं अकेला आदमी, बेटी लखनऊ में आजकल, तो हमारी अंजलि से, गीता से भी आप बातचीत कीजिएगा। तो हम लोगों की एक अपनी आप एक दूसरे को हम लोग जाने, तो कम से कम हम तो यही समझते हैं कि आप एक मनुष्य के रूप में एक देवी हैं, जैसे सुमन माँ हमारी बेटी से छोटी उम्र की है और वो पूरी मदद मेरी कर रही हैं और मैंने उनको माँ का दर्जा दिया, तो हमको एक बेटी और मिल गई। तो हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे को हम लोग जाने, एक दूसरे के सपोर्टर बने। अब कम से कम अब हम तो इसमें में चैंपियन है, कोई मामला सरकार से आप मांग के रखिए, सरकार नहीं मांग नहीं ध्यान देती है, तो हम इसमें चैंपियन है अनशन करने में, अकेले दम से मैंने माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया है। तो कहने का मतलब कि आज भी इतनी शक्ति है, तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, हम एक दूसरे के बारे में बोलेंगे तो और हम लोगों का काम बढ़ेगा। और सुनिए बहन जी, नोट कर दीजिए, मरने के बाद ये जो आप कार्य कर रही है ना, सिर्फ यही कुत्तों की सेवा, जानवर की सेवा, जो भी आप कर रही हो, या गरीबों की सेवा सबकी होनी चाहिए, नहीं खाली गरीब गरीब गरीब, ये तो नेताओं का एक फंडा है, गरीब कौन गरीब लड़ाने और रोड के चक्कर में सब कर रहे बाबा। तो आपने इतना बड़ा बीला उठाया है तो हम समझते हैं कि हम लोगों की एक कंपनी होगी, हम लोग मरने के बाद फिर वहाँ हम लोगों की मुलाकात होगी, हम लोग एक दूसरे के रिश्ते से जुड़े रहेंगे और जन्म होता रहेगा। क्यों? मनुष्य की ये मनुष्य की यही एक पहचान है, एकमात्र मनुष्य की पहचान है। और सुनिए ये क्या नाम गीता में लिखा है, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता है वही योगी होता है। अब बोलो, ये गीता से बड़ी बहन जी कोई पुस्तक है दुनिया में? बिल्कुल नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो, गधे ने कुत्ते ने। तो हमने बहन जी जो बचपन से कार्य किया है, मैंने नहीं किया, मैं किसी के आदेश से कर रहा हूँ। और कभी हमको अलौकिक घटनाएं हमारे साथ घटती है, शनि मंगल में ही सारे जानवर क्यों आए, बंदर क्यों आए, और शनि मंगल में क्यों मरे। एक डॉक्टर यहाँ के एजाज अहमद साहब है, यहाँ सरकारी अस्पताल के, वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर जनाब एजाज अहमद, उन्होंने कहा, कहे बाबा जी यह बात तो बड़ी गौर तलब है, उतनी उनकी आवाज को हमारे वीडियो में कहीं कैद है, रखा हुआ है कहीं, कहा बाबा जी यह बात तो बड़ी गौर तलब है, एक मोहम्मदन अगर हमारे चमत्कार से प्रभावित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बाबा। तो इसलिए आप जो है ये चाहते हैं, एक मिनट एक बात हम आपको बता देते हैं, आपका हौसला खूब बढ़ेगा। जानते हैं क्या है? जी जी। इस समय विश्व की जितनी भी आपके लाइन की जो भी अभिनेत्रियां हो, जितने भी हो, चाहे कोई कुछ भी किया हो, लेकिन वहां पर आपका नंबर 1 पर स्थान
आ गया। और जिसका नंबर वन पर धर्म में स्थान है, ये जोगी कपड़ा पहनने से और बाबा बाबाई बनने से नहीं आदमी भगत बनता है। ये तो सारे हमारा बच्चन है, हम सारे महात्माओं के ऊपर भेंट लगा दे कि साहब आप पहले भगवान की सेवा करो। अरे उनकी सेवा करो जिसका सेवा करने वाला कोई ना हो। अरे उर्दू में भी कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो कहाँ खुदा दिख रहा है भैया? कौन मुसलमान जो है कि लोग छूटे नहीं है। और मेरे बहन जी, मेरे घर में चार सुअर गड़े हैं अभी तक, सोच लीजिए। मेरे गाड़ी में गड़े हैं सब। तो हमको आज इतनी खुशी हुई आपसे बात करके, इतना तबियत गदगद हुआ कि अवास्तव में आज भी भगवान के रूप में, देवी के रूप में आज भी महिलाएं मौजूद हैं। यही देवता हैं, यही आप लोग धरती की ही। भाई देखिए, आपके अंदर मानवता है, और जिसमें मानवता नहीं है वो नेता कैसे बन जाता है, हमको बड़ा ताजुब लगता है। बाबा जी, नेता का मानवता का कोई रिश्ता ही नहीं है, और जिसका मानवता कोई नहीं सकता है। और करोड़ों की बात आपने कह दिया। अगर इजाजत हो तो रात में लाइव पर मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए की बात आपके मुंह से निकल गई कि मानवता से और नेता शब्द से इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब एक बहुत है कि खैर अभी तो चुनावी माहौल है, इसको कहना ठीक नहीं, हम समझते हैं। क्यों सारा नेता चढ़ेगा है, श्याम साधु तो श्याम साधु बोल रहा था, अब ये शुक्लाइन जी कहाँ से आ गई? नहीं बाबा, आएंगे तो आपके दर्शन के लिए भी पहुँचेंगे। जो काम आप कर रहे हैं ना, ये इसके लिए मतलब शब्द नहीं है हमारे पास सराहनीय। इतना बड़ा आप नहीं, काम नहीं, कर रहे हैं, इस उम्र में कर रहे हैं, मतलब बहुत बहुत खुशी मुझे हो रही है ये चीज देखकर। ये बहन जी देखिए, परसों हरियाणा से आदमी आया, बोलो एक गिलास पानी भी हमने उससे नहीं लिया, न उसने दिया न मैंने लिया। और उसके लिए हम 50 किलोमीटर गए, 50 किलोमीटर वापस आए, वीडियो बनाया, यूट्यूब पर डाला। और कल सुमन माँ की भतीजी के ओर से मैं गया, कोई ड्राइवर नहीं मिला तो बड़ी समस्या आ गई। फिर किस तरह मैं दोपहर में जाता हूँ चिलचिलाती धूप में, सोचिए आप। तो एक इस तरह आदमी को करना चाहिए। तो हमें इतनी अपार खुशी है कि आप नहीं बोल रही, हनुमान जी ने ही आपसे हमसे बातचीत करवा दिया है। अरे आप लोग बड़ी हस्तियां हैं, आप लोग जो चाहिएगा वो कर सकती हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं तो मैंने तो एक नया पैसा जीवन में नहीं कमाया और न किसी से मांगा, बस अपना पेट काट काट के अपनी श्रीमती जी को नौकरी से लगवाया कि भैया तुम अपनी नौकरी कर लो, कम से कम हमारे ऊपर वो लहाना तो नहीं दोगी। तो हमने उनको, भाई हम लोग जिम्मेदार परिवार के हैं, तो हम 2 मिनट में उनकी नौकरी भी लग गई, वो अध्यापिका हो गई, हम उनसे फुर्सत मिल गई रोज रोज के झगड़े से। लेकिन जो कुर्बानी दिया है वो एक दुनिया के सामने एक मिसाल है। और आप जैसे हस्ती वाले, अरे आपको तो भगवान ने पैसा दिया, लेकिन याद कीजिएगा कितनी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों की मौत कितनी खराब हुई है, आपने कुछ सुना और देखा होगा। और आप, मैं तो दावे से कहता हूँ, आपके जो भी वारिसान हो, खानदान में हो, गाँव में हो, कोई हो, मैं लिख के दूंगा कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत निकले, ये अवघड़, या आप जो काम कर रही हैं, ये अवघड़ पंथ की बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है, न जानती हो तो जान लीजिए। आपके अंदर वो शक्ति आप इकट्ठा कर रही है ना, कि जिस आदमी के ऊपर आपका मन गुस्से में आ गया उसका कुछ न कुछ अहित हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप, आने वाले समय में देखिएगा कि किस तरह दुनिया से आपकी विदाई होगी और किस तरह वहाँ आपको स्थान मिलेगा। बस बाबा, बात दीजिए बाबा, बस। हाँ जी, ये नहीं कि पता लगा कमरे में मर गई और लाश सड़ रही है तो फिर पता चला, अरे वो कोई जिंदगी है, लानत है ऐसे पैसे को, ऐसे बड़प्पन को, ऐसे शोहरत को। आप इतनी बड़ी अभिनेत्री हो करके भी आपके अंदर ये दया भाव, अरे आपकी तो सुबह सुबह आदमी सकल देख ले तो उसका कल्याण हो जाए। क्यों? आप एक इंसान है। और माँ बताइए, आपसे अगर कहा जाए कि 1 करोड़ आपको दिया जाएगा, आप मांस खाइए, आप खाइएगा?
ना बाबा ना, सवाल ही नहीं पूछते, जान ले लो गर्दन पे रखे, हम कहेंगे नहीं खाएंगे, उड़ा दो चलेगा, हम किसी की जान कैसे कटवाए बाबा। हमारा जो शरीर है बना है, हम जो दो बोल रहे हैं, हाड़ मांस जो है हमारे शरीर में, यह शुक्ला परिवार का है, हमारी माँ जो है वो शुक्ला परिवार की थी। अच्छा अच्छा, तो ये संयोग है, हम लोग अगले जन्म के कोई ना कोई, हाँ ये है कि थोड़ा ईश्वर भगवान की लीला है। अच्छा, ये लेट लतीफ इसलिए करते हैं, अगर शुरुआती दौर में हमको सुविधाएं मिल जाती तो श्याम साधु की ये कुर्बानी की कहानी न लिखी जाती। बाबा हम आ रहे हैं यूपी आएंगे, और स्पेशली सिर्फ आपसे मिलने के लिए आएंगे बाबा जी वहाँ यूपी में, क्योंकि आपके बारे में बहुत बता रहे थे, तो उस बीच हमने उनसे कहा अभी तक, हम कहे जब भी यूपी चलना होगा तो बताना, चलेंगे हम मिलने के लिए, हमने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन हो नहीं पाया, अभी बीच में गए हुए थे, यूपी शूटिंग चल रही थी हमारी, तो वहाँ से शूटिंग खत्म हो गई, बम्बई आ गए हैं, तो कुछ लोगों की तकलीफें इतना देखा हमने, कुत्ते काटे हुए हैं ये वो, तो हमने पूछा, बल्कि प्रकाश जी से मैंने कहा था कि आप जाके, क्योंकि वहाँ हम लोगों को समय का बड़ा बंदिश होता है बाबा जी, काम के लिए गए हैं, तो प्रकाश जी हैं, हमने उनसे कहा कि आप डॉक्टर वॉक्टर बुला के थोड़ा सा उसको दवा ववा कराइए, तो वहाँ पूछे तो उन लोग बोले यहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं, और दवा खाना कुछ ऐसा है ही नहीं, तो एक आध जो डॉक्टर रहे होंगे वो ऐसे सड़क के लोगों को देखने के लिए तैयार ही नहीं।